अस्सलाम वालेकुम मैं हूं इरफान समोर आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोस्तों नून लीग की यह ख्वाहिश थी कि इमरान खान नाअहल हो जाए बल्कि अयाज सादिक ने कह दिया कि इमरान खान को तो अगर दो जिंदगियां हो तो दो बार नाअहल होना चाहिए दो जिंदगी के लिए यह इनकी ख्वाहिशात थी लेकिन जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है उसके साथ खुदा बुरा करता है जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है उसमें वो खुद ही गिरता है इमरान खान को माइनस करते करते आज ये खुद माइनस हो गए हैं नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर इलेक्शन कैंपेन करने से साफ जवाब दे दिया है उसने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा नून लीग डूबती है तो डूबे सियासत जाती है तो जाए पार्टी गर्क होती है तो हो जाए मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा दोस्तों दूसरी खबर मेरे पास इससे भी बड़ी है खबर यह है कि अब पंजाब में नवाज शरीफ तो वैसे नहीं आ रहा बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के कोई भी पीडीएम का बंदा पंजाब में इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेगा इनको सख्ती से मना कर दिया गया है दोस्तों खबरें आज इंतहाई चौंका देने वाले हैं मेरे पास जो आपके साथ शेयर करने हैं लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें शुक्रिया दोस्तों सबसे पहले आगाज करते हैं मरियम औरंगजेब के ट्वीट से वो कहती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा फैसला फैसला क्या है जी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को पंजाब में इंतबात की तैयारी की हिदायत कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का अपनी सदारत में लंदन में मुनदा पार्टी क्यादत के अहम मुशावरती इजलास में ऐलान कायद नवाज शरीफ की पार्टी सदर शहबाज शरीफ को पार्लियमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत पूरे जज्बे एतमाद और भरपूर तैयारी और कुवत से आगे बढ़े नवाज शरीफ की हिदायत इन शाह फतेह पाकिस्तान मुस्लिम नू, लीग नून की होगी नवाज शरीफ लेकिन मैं खुद नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा मुझे पकड़ लेंगे मुझे जेलों में बंद कर देंगे और गुस्सा उतारा जा रहा है अपने भाई पर राना सना पर कि भाई तुम वजीर दाखिला थे किस चीज के थे मेरे केस खत्म नहीं करवा सके और मुझे आजादी का परवाना नहीं दिला सके मुझे पाकिस्तान वापस नहीं बुला सके राह नहीं हमवार कर सके उनका ख्याल था कि पंजाब से हम पीटीआई की हुकूमत खत्म करेंगे और फिर नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और अजीम शान उनका इस्तकबाल होगा फूल उन पर फेंके जाएंगे और उनको वहां से एक काफले की सूरत में लेके जाया जाएगा जमा जनाब जाती उम्रा। और वहां से फिर वो पंजाब में इलेक्शन कैंपेन करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ खान ने रात के 12 बजे इनकी सारी गेम पलट दी इनको जनाब नॉकआउट कर दिया एकदम से और अब इन्होंने अपनी हार तस्लीम कर लिया कि जनाब वाकई ही इमरान खान ये बाजी जीत गया है इमरान खान ने हमें सरप्राइज कर दिया है पहली बार ये बात ये लोग मान गए हैं कि वाकई ही इमरान खान ने हमें सरप्राइज दिया है और बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है दोस्तों एक तो जनाब जब नवाज शरीफ ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा तो जो बड़े बड़े साफी एंकर हजरात थे मुस्लिम लीग नून के जिन्हें काफी उम्मीदें थी कि मिया साहब जब आवेगा थे लग पता जावेगा, ऐसे ट्वीट करते थे अब उनका ट्वीट मैं आपको सुनाता हूं गरीदा फारूकी साहेबा का मेरे सामने ट्वीट है वो कहती हैं जी मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्ला है वा इन्ना है इन्ना राजे ला मोहतरमा लिखती हैं अगर अब भी लीगी का फौरन वापन वतन वापस से नहीं आती तो तख्ते पंजाब सुनहरे तश्त में रखकर आज खुद इमरान खान के हवाले किया जाएगा अपनी गलतियों कोताहियों का स्टैब्लिशमेंट को दोष देना भी गलत है यह भी काम ना आएगा मोहतरमा को बड़ी उम्मीदें थी बड़ी आस थी कि मियाँ साहब आएंगे कैंपेन करेंगे मरियम साहब आएंगी कैंपेन करेंगी <coughs> वो लोग अब नहीं आ रहे और इनके चेहरों से मायूसी छलक रही है ठीक है और दूसरी जानब दूसरी खबर इससे भी बड़ी है जो आपको देता चलू एक तो ये लोग नहीं आ रहे ऊपर पे ऊपर से सोने पर सुगा ये है कि जनाब बिलावल भुट्टो हों आसिफ जरदारी हूँ या फिर शहबाज शरीफ हो या फिर नून लीग का और कोई बंदा हो या पीपल्स पार्टी का हो ये सारे जो हैं ये लोग जनाब पार्लियामेंटेरियंस हैं ये इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं और पार्लियामेंटेरियन कोई भी जो है कोई एमपीए, एमएनए, वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता ये सबसे बड़ा मुश्किल है इनके लिए ये सबसे बड़ा मसला है अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पंजाब में इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता आपने देखा सिंध में भी उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की भाई कर ही नहीं सकते ना बिलावल भुट्टो जरदारी का बलद्याती इंतवाल के हवाले से एक ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम आया इसके अलावा आपने किसी जलसे खिताब करते हुए लीड करते हुए उनको नहीं देखा होगा अब जरदारी साहब हो या राना साहब हो राना सनाउल्ला साहब वो पंजाब में जनाब इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते अच्छा जी अब इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं बचा कोई ऐसा मोहतबर नाम नहीं बचा जो इलेक्शन कैंपेन करे ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अब जो आस उम्मीद बची है वो बची है मरियम नवाज साहबा और मरियम नवाज साहेबा अगर पाकिस्तान आ जाती हैं तो उनकी इलेक्शन कैंपेन जो होगी उसका नतीजा मैं अभी से आपको बता दूं क्या निकलेगा जनाब उनका नतीजा वही निकलेगा जो मरियम साहिबा ने पहले जलसे किए थे उसके बाद फिर जिमनी इलेक्शन हुआ और फिर जिमनी इलेक्शन में जो नतीजा निकला जो 95 परसेंट सीटें इमरान खान ले गया वो नतीजा मरियम नवाज की इलेक्शन कैंपेन का था अब भी वही नतीजा निकलना है तो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो हैं बल्कि ज्यादातर लोग वो ये समझते हैं कि यार कम अज कम मरियम नवाज को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए मरियम नवाज को इलेक्शन कैंपेन रन नहीं करनी चाहिए उनकी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो असम्बली कौमी असम्बली तहलील करें वो पार्लियामेंट से बाहर निकलें आजाद हो जाए और फिर वो इलेक्शन कैंपेन में आए तो शायद कोई नून लीग के लिए कुछ कोई चांस बन सके अदरवाइज बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन सा है और इस वक्त यही वजह है कि नून लीग के लोगों को नजर आ रहा है कि भाई आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है मियाँ साहब ने जवाब दे दिया है और मियाँ साहब के जवाब देते ही नूनली के जो लोग हैं वो भाग भाग के इमरान खान के गोद में गिर रहे हैं इमरान खान साहब से वो डील करने के चक्कर में हैं लेकिन खान साहब जो हैं खान साहब कहते हैं कि भाई मैं मेरिट पर फैसला करूंगा देखूंगा जो लोग मेरे साथ लॉयल हैं इन क्राइसिस में मेरे साथ खड़े रहे हैं उनकी टिकटें तो पक्की हैं उसके बाद मैं देखूंगा जो बाकी के हल्के हैं वहाँ पर कौन मेरिट पर आता है मैं उसे टिकट दूंगा और जनाब इस वक्त इंतहाई मुश्किल में फंस चुकी है ना सिर्फ गवर्नमेंट नून लीग की बल्कि नून लीग खुद और जनाब ये जो कहते थे कि इमरान इमरान खान खान को सियासत नहीं आती खान ने इनको ऐसी जगह लाकर मारा है जहां पर अब इन्हें पानी भी नहीं मिल रहा दोस्तों ये हालात हैं इनके और अब जो है अब अगर ये कौमी असम्बली नहीं तोड़ते तो और कोई इनके पास चारा भी नहीं है जो इनके लोग हैं वो साथ नहीं दे रहे इस वक्त शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में अक्सरियत खो चुके हैं जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे और खान साहब ने कहा है कि हम शहबाज शरीफ को टेस्ट जरूर करेंगे ताकि पता तो चले भाई इतनी बड़ी असम्बली लेके बैठा है इसके पास मैंडेट है भी सही या नहीं पूरे लोग हैं भी सही या नहीं या ऐसे ही बैठा है तो हम टेस्ट जरूर करेंगे और खान साहब मुसलसल फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और नून लीग को बैक फुट पर धकेल दिया है दोस्तों अब इस सूरत में अगर तो इलेक्शन बचाना है अगर पंजाब बचाने की कोशिश करनी है तो शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करनी होगी और आने वाले वक्त में अगले चंद ही घंटों में लग पता जाएगा कि क्या नतीजा निकलता है ऐसी मजीद मालूमती वीडियोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज